दोस्तों आज की स्टूडियो में मैं आपको अपर खामपुर के एक गांव के बारे में बताऊंगा जिसका नाम बाबू ढेरी है। इसको बापुर ढेरी भी कहते हैं। तो ये 200 साल पुराना गांव है जहां पे राजों की फैमिली रहती थी। तो वो इस्लामाबाद के करीब एक गांव है। आपको पहले वो रोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपको पहले जाना होता है टेक्सला, टेक्सला से तरनावत, तरनावत के बाद बाबू ढेरी। आइए बढ़ते इस वीडियो की जानिब, रास्ते की जानिब। मैं आपको अभी मैं वहाँ पे लेके जाऊंगा, वहाँ का रास्ता बहुत खूबसूरत है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों हमने जैसे तलनावे से सफर स्टार्ट किया, हमारे रास्ते में बॉयज एंड गर्ल्स का डिग्री कॉलेज आया। आप ये लड़कियों की कॉलेज तामीर होते हुए देख सकते हैं। दोस्तों ये सड़क पहले तो बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन अब ये टूट फूट का शिकार है। दोस्तों जैसे आप सड़क के आगे बढ़ेंगे तो आपको दोनों तरफ खूबसूरत नजारे मिलेंगे। दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कुछ जगहों पर सड़क टूटी फूटी मिल रही है। यहाँ पे सड़क को खुला किया जा रहा है और यहाँ पे काम हो रहा है। ये सड़क बनने के बाद आपका तरनावा से बाबू ढेरी तक चंद मिनटों के लिए सफर होगा। दोस्तों बाबू ढेरी से पहुंचने पे आपको चंद छोटे छोटे गांव मिलेंगे। दोस्तों ये रास्ते में आपको छोई, नजफपुर और खोई खम्मा और बहुत से दूसरे गांव मिलेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सड़क पे काम हो रहे हैं और यहाँ पे सड़क टूटी फूटी हुई है। दोस्तों अभी हम लोग नजफपुर के करीब से गुजर रहे हैं। जब खामपुर डैम में पानी ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे भी आके पानी ज्यादा हो जाता है। दोस्तों आप ये गहरी जगह देख रहे हैं, जब खामपुर डैम में ज्यादा पानी हो जाता है तो यहाँ पे आ जाता है। दोस्तों अब हम छोई के एरिया से गुजर रहे हैं। यहाँ पे काफी आबादी और आप यहाँ पे घर भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सरसब पहाड़ है जो कि बहुत खूबसूरत है। आप लोग अपनी फैमिली के साथ अपने यहाँ पे टाइम स्पेंड करने आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा।
दोस्तों ये रोड बनने के बाद ये इस्लामाबाद के उससे कनेक्ट हो जाएगा और आप इस रोड से बहुत जल्दी इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे इन दोनों तरफ चश्मे वाले पानी आए हुए हैं और यहाँ पे लोग कुछ पिकनिक भी करने आए हुए हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सड़क के किनारे रोड लोग बारबेक्यू भी कर रहे हैं और फैमिली भी बहुत इंजॉय कर रही है। दोस्तों अब हम बाबू टेरी के करीब पहुंचने लगे हैं और मैं आपको जल्द ही बाबू टेरी ले जाऊंगा। दोस्तों अब हम बाबू टेरी पहुंच गए। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत मंजर है और दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत कम है और हवाएं भी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों हमारे साथ अभी टैबू के दोस्त हैं जिनका नाम मुफ्ती आबिद साहब है और मैं इनका भी थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें इस इलाके की सैर करवाई है। दोस्तों यहाँ पे राइट साइड पे राजू 84 गांव के राजा के घर दिख रहा है। इसी जमाने में वो लोग यहाँ पे रहते थे और वो लोग यहाँ पे हुकूमत करते थे। यही होता था हमारा जंदर। फंक्शनल है जी अब जंदर अभी नहीं खत्म हो गई बच्चों। ये वो कच्चा वो जो पानी से पंचकी जैसे आता है जी जी ये रास्ता आगे कहाँ जा रहे हैं? ये पक्षी जा रहे हैं। अच्छा पक्षी जा रहे हैं। वो सामने संग्रेली है, वो सामने कुंबल गली आ गई। अच्छा अच्छा कुंबल गली तो ऊपर वो बरकोट की साइड पे नहीं मिल जाती? हाँ जी वही है ना। और सीधा इसने फिर सौ शहर ने दोबारा इसको थोड़ा सा मेंटेन किया है ना। मुझे चादरें पहले ये सारी सुरख चादरें थी। अच्छा और ये जो दो दरख्त लगे हैं इस तरह जो ऐसे चौबारा से बना जी जी यहाँ पे बड़े राजा साहब बैठते थे। अच्छा असर के वक्त में यहाँ सारे सेब के बागात थे इस जगह पर इधर भी और उधर उस ये जो नीचे जगह है ना यहाँ पर भी बागात थे खुबानी के लुकाट के बहुत सारे। तो अच्छा सारे खत्म हो गए। हाँ जी यहाँ से रोह आती थी बीच में जो रोह जा रही है। अच्छा अच्छा पानी थोड़ा असर के वक्त जब हवा चलती ना बागात से खुशबू लेती ना सीधे राजा साहब के डेरे। और इस पूरे इलाके में सबसे पहला जो रोड बना है ना वो हमारे गाँव का था। बिजली सबसे पहले हमारे गाँव में लगी और गाड़ी भी सबसे पहले यहाँ के राजा साहब। हाँ जी अच्छा अच्छा। दोस्तों वापसी पर हमें एक बाबा जी मिले जो जिनको हमने लिफ्टी और अब मैं आपको उनसे बात चीज कराता हूँ। इतने अल्लाह पाक जन्नत देवे ने राजे भगत जीजा ने राजा बीबा मन जीजा मन दो भाए ये रोड उन्हें कटाए ते ये लोग ग्रामा ने कम करने
मजदूरी दिहाड़ी ते दिहाड़ कन्ने 2 रुपए दिहाड़। अच्छा ते जुमा जेड़ा है वो मुफ्त लवाने होने रोड फिर हथा नाल खोण के कट के खड़िया ने। ठीक है जी। बिजली इस पासे कोई नहीं है। ठीक है जी। ओ फिर इथे बैक्टेरी ना एक राजा या राजा खोकान ना या ना खाकान। खाकान ठीक है जी। ओ वापटे चे आ। अच्छा। ते उस फिर बिजली आंदी है। बलोच अबटाबाद ट्रेनिंग भी की थी। ट्रेनिंग भी की थी। अच्छा। तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते ट्रेनिंग की थी। ये फिर ऑर्डर आ गए आगे रंगलूटा कसम परेड दे गए थे भेजो। अच्छा किथे भेजो? उस वेले जंग लग पई जंग है ना केड़ी कतरनी। अच्छा कतरनी जंग ने लड़ाई लग पई थे फिर वो असा रातों रात कसम परेड दे गए तैयार कर गए थे इथो फिर असा बठा सटिया ने किथे गड्डिया थे किथे गए हो? फिर असी वने अपे बंगाल। अच्छा बंगाल से वने बंगाल पे वने या ते उकाड़े पहुंचे हैं। अच्छा। रापते कटे गए रा बंद हो गए। अच्छा। फौज जीड़ी असा नहीं कैद हो गई। अच्छा। ते फिर उठो असी वापस पीछा मुड़े हैं ते फिर रखिया ने एक गदाम जाया उठे उठे रखिया ने महीना एक ते उस तो बाद फिर असा यूनिटा बांट सटिया। फिर यूनिटा में कोई 4-1 साल मैं की उस तो बाद फिर वो कैदी वापस आए ने ना ते उन्हें फिर आख्या कि जड़ा खुशी नाल वीना चाहना ते ओ बेशक जुले रांझा याद आया उसी मां रांझा याद आया ते मैं आख्या जुलो उठे ही वेंगे खासा जिस तरह रांझे आखे आखे मैं खादिया ते रानियां पकियां खासा। अच्छा बाकी कुछ रखा ना। हां ते ओ गले मां फिर रांझा याद आया ते आ रहा। अच्छा साडे घरे ना रांझा क्यों पे है जी ये ते दसो। जिम्मेदारी कर लिया फिर मैं आन गए एक मिस्त्रिया ने काम सीख के लकड़ी दी मारिया ते उमा बड़ा सोगा होया। मैं आख्या हुकुम असा को नसा मिनट किसी को बैठे जोड़ी पला लंटोर फरोश प्लास्टर पक्के मिस्त्री बन गए हो पक्का जिथे कम था के आया मोड़ के कर के जिंदाबाद जिंदाबाद अजी ते हो ना को लगे रहो। वो जमाना चंगा है। अच्छा ऐसे ले दौलत पैसा आम है हर बंदे अपनी अपनी पे ही किसे नहीं नहीं साड़ी शादी कितो हुई है? बड़ी शादी है तू घराई हूँ रिश्तेदार है वो जी रिश्तेदार है। अच्छा बरादरी में ची शादी बरादरी जो रिश्तेदारी पसंद आल की थी ना ये कर रहा है नहीं ये कर रहे ले आ उधर उधर उसे ले उस जमाने तो कोई नहीं होना ये पसंद एक काम नहीं है जेले आजकल शुरू नहीं ये मतलब है उसले माँ पे जिस नाल जिथो पूछ के रिश्ता पुत्रे अकराउंड नहीं बोलने। अच्छा आजकल दा वैने ने आहने ने मैं उठो कर सा तो उठो कर सा भाई तो सानू भी कोई पसंद नहीं आई। हां पसंद वालदा वालद फौत हो गया तो वालदा कराइए। अच्छा मासी ने करो। अच्छा अच्छा वो थोड़ी अपनी पसंद ही हुई। हां जी ते
मासी ने करो शादी कराई सोन अल्लाह पाक जिंदगी करे ने छे बच्चिया ने मनिया ते दो बच्चे ने हां जी ते बच्चे भी शादी शुदा कर सटे ने बच्चिया भी माशाल्लाह सारा फर्ज अदा हो गया इंशाल्लाह चल ठीक है ते बहुत सुनता बोल दे जी अल्लाह ने बड़ी बड़ी मेहरबानी बड़ी अल्लाह ने रहमत है चैलेंज अगर सुफर दोबारा जिंदगी मिले अठे मां लायो दोबारा नहीं देने अल्लाह पाक नहीं फर्ज कीता अगर अल्लाह देवे जी जी के बढ़ना चाहो के दिल करना है छोटा के दिल दा मणा एक अल्लाह ने दोबारा होवे ते अठे ला सटो अच्छा फिर के होवे फिर ये होवे के अल्लाह पाक का याद करा जी जी किसे अच्छे रास्ते ते लग जुना ठीक है जी ਇਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਬਾਬਾ ਚਾ ਪਹਿਲੀ ਬੜੀ ਅੱਲਾਹ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਜਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਹੈ ਜੀ